रास्ते को लेकर रुड़की डीएम ने लिया संज्ञान। रुड़की के गांव टोडा कल्याणपुर के ग्रामीणों और रुड़की छावनी के अधिकारियों के बीच चल रही तनातनी को लेकर अब सेना के अधिकारियों ने ग्रामीणों का आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है, जिसको लेकर रुड़की के वरिष्ठ भाजपा नेता मयंक गुप्ता ने ग्रामीणों की मदद करने का निश्चय किया और जिलाधिकारी सी रविशंकर के साथ एक बैठक की, जिसमें ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। वहीं जिलाधिकारी के साथ रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल और तहसीलदार सुनैना राणा भी मौजूद रही। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर स्थायी समाधान होने तक इमरजेंसी के लिए आवागमन शुरू करने की बात कही। इसके साथ ही दोनों पक्षों के जिम्मेदार समाधान तय करेंगे। गांव में पिछले लंबे अरसे से ग्रामीण और सेना के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। कई बार आर्मी के द्वारा मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया और फिर मामला अस्थायी रूप से निपटा दिया गया। हाल ही में आर्मी के द्वारा मार्ग बंद कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों को मजबूरन कीचड़ भरे मार्ग से शहर आना पड़ रहा था। गांव में ना तो वाहन आ रहे थे और ना ही ई रिक्शा, ऐसे में ग्रामीणों को शहर आने के लिए मुश्किल भरा सफर तय करना पड़ रहा था। ग्रामीण इस बात से नाराज होकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। सूचना पर हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने रुड़की पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या सुनी और सेना के अधिकारियों से वार्ता की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने बताया पहले जमीनी विवाद की जांच होगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट की जाएगी, तभी कोई अस्थायी समाधान निकलेंगे। तब तक इमरजेंसी के लिए दोनों पक्षों के बीच बैठक होगी और समस्या का समाधान होगा। वही मयंक गुप्ता का भी कहना है कि अब ग्रामीणों की समस्याओं का हल निकाल कर ही वह चैन से बैठेंगे। हरिद्वार से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। कई वर्षों से इस प्रकार का चल रहा है, तो इसका मेन और परमानेंट सॉल्यूशन जो है तब संभव हो पाएगा जब हम लोग जो भूमि को लेकर के 100% स्पष्ट होंगे। तो इसके लिए जो है सीमांकन का प्रक्रिया चल रही है, इसमें पैमाइश करने के लिए मेरठ से जो है DO ऑफिस से आए हैं करके मुझे बताया गया है। तो जब इसका संयुक्त निरीक्षण होगा और पैमाइश होगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि भूमि जो है किसके कब्जे में किस प्रकार का है। तो इसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन आएगा। परमानेंट सॉल्यूशन आने तक एक सहमति बनी है और आर्मी से ये अपेक्षा किया है कि इमरजेंसी का कोई भी अगर प्रकरण हो वो किसी भी टाइम पे उनको अलाउ करना है। मूवमेंट को लेकर के जो अभी आपस में जो तय करने वाला विषय है, उसमें आर्मी वालों से बात हुई है, तो अभी गांव वाले और आर्मी वाले दोनों बात करके एक उचित एक टाइमिंग जो है एक्सेप्ट करेंगे।